मारुति सुजुकी इग्निस का क्रैश टेस्ट का फुल वीडियो, सेफ्टी रेटिंग एंड पैसेंजर के इंजरीज ऑन बॉडी पार्ट्स का डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। इस क्रैश टेस्ट का फुल वीडियो को देखने से पहले हम इन डिटेल्स को पहले देख लेते हैं, ताकि आपको इस क्रैश टेस्ट के बारे में जितनी हो सके क्लियर जानकारी मिले। तो ये क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप के द्वारा किया गया था एंड इसका पब्लिकेशन 2022 में हुआ है। इस दौरान गाड़ी का वेट था 1092 kg सभी डमी एंड अदर इक्विपमेंट के साथ। इस गाड़ी का दो क्रैश टेस्ट किए गए थे, एक सामने से 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एंड एक साइड से 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर। तो चलिए पहले क्रैश टेस्ट का फुल वीडियो को देख लेते हैं एंड उसके बाद इसका रिजल्ट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में गाड़ी का कंडीशन तो आपने देख लिया, अब पहले स्कोर्स के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे पैसेंजर्स के इंजरी लेवल। एंड यहाँ पे एडल्ट सेफ्टी को पहले देखते हैं। तो एडल्ट सेफ्टी में इग्निस को 1 स्टार मिले हैं एंड 16.48 एडल्ट सेफ्टी पॉइंट्स मिले हैं 34 एडल्ट पॉइंट में से। एंड चाइल्ड सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी को 0 स्टार मिले हैं एंड 3.86 मैक्सिमम चाइल्ड पॉइंट्स मिले हैं 49.00 पॉइंट्स में से। अब बात करते हैं सुरक्षा की। तो यहाँ पे ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर का छाती को दी जाने वाली सुरक्षा ने कमज़ोर सुरक्षा दिखाई। ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर का सिर पे एंड गर्दन पे सुरक्षा अच्छी थी। ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर के घुटने में मामूली सुरक्षा दिखाई गई है, क्योंकि वे फासिया के पीछे खतरनाक संरचनाओं में प्रभावित हो सकते हैं। ड्राइवर का टिबिया ने पर्याप्त सुरक्षा दिखाई एंड फ्रंट पैसेंजर की टिबिया ने अच्छी सुरक्षा दिखाई। फुटवेल एरिया को स्टेबल के रूप में रेट किया गया है, बॉडी सेल को अस्थिर बताया गया है और आगे के भार को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। इन कारणों के लिए इस कार को एडल्ट सेफ्टी के मामले में 1 स्टार मिले हैं। उसके बाद चलिए साइड इम्पैक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेड प्रोटेक्शन को वीक एंड चेस्ट प्रोटेक्शन को पुअर बताया गया है एंड एब्डोमेन पे प्रोटेक्शन एडिक्वेट है एंड पेल्विस प्रोटेक्शन गुड है। रियर ऑक्यूपेंट को इजेक्शन के जोखिम के कारण डोर ओपनिंग मॉडिफायर लगाया गया था। मैन्युफैक्चरर ने क्रैश टेस्ट के लिए CRS को रिकमेंड करने के लिए इनकार कर दिया, इसीलिए डायनामिक पॉइंट नहीं दिए गए। 3 साल के बच्चे के लिए चाइल्ड सीट को आइसोफिक्स एंकरेज और एक सपोर्ट लेग का उपयोग करके आगे की ओर स्थापित किया गया था और सामने के प्रभाव के दौरान सिर के संपर्क को रोकने में सक्षम था। 18 मंथ्स ओल्ड के बच्चे को भी आइसोफिक्स एंकरेज दिया गया था एंड यह अच्छा सुरक्षा एंड साइड इंपैक्ट को भी अच्छे से झेला। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मारुति सुजुकी इग्निस के ऊपर, जो कि ग्लोबल एनकैप के द्वारा किया गया था। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो वीडियो को यहाँ करते हैं बंद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।